थाना इरादत नगर क्षेत्र में मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। लाठी, सरिया और कुल्हाड़ी से बोले गए हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इसमें कई की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रालोद नेता ने हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों से बात कर घटना की जानकारी हासिल की। थाना इरादत नगर के गाँव महदेवा में मामूली बात को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया। आरोप लगाया गया है कि एक पक्ष के नामजद लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी, सरिया और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला बोल दिया। इसमें राजवीर सिंह, रामेश्वर, सौरभ बाबूराम, किशन सिंह, राजेश घायल हो गए। खाद के गड्ढों के बराबर एक पड़ोसी का मकान था, वो बेचारा पानी से सीलनते एकदम धस गया। किसका मकान था वो? कालीचरण परिहार का। हाँ, वो कहने आया हमसे कि भैया आप मट्टी डाल लो तो मेरे मकान बच जाओ। तो इसी के लिए हम बातचीत कर रहे थे कि भाई वहाँ में मट्टी डाले के ना है, दूसरे को मकान बच जाए और बाकी बच्चा बच जाए। तो ये बातचीत कर रहे थे तो इतने में क्या नाम है, बादाम के लड़के मान सिंह और राम किशोर, इन्होंने कहे कि हम मट्टी नहीं डालने देंगे और हम बांट डालेंगे तो बांट के डालने देंगे, ऐसे डालेंगे। तो मैं भैया तुम सिगे ले लो, पूरी ज़मीन है, तुम मट्टी डाल लो और बनाओ, हमन ना चाहिए तो हम तक आगे करेंगे तुम तैयारी। तो मैंने कही हम ना ले रहे काऊ कि हम अपनी डालेंगे। तो ऐसे ही बातों बातों में विवाद हो गया। ठीक है भैया, मैं तुम्हें दी के तय करो, हम आगे को चले तो हमारी जो है प्रकाश, राम प्रकाश ने वो मेरी पीछे से जेट भर ली, जेट भर के और शिवराम ने मेरी चांद में रैपड़ो दो और मैं हाथ छुड़ाए तब तक उसने लाठी मारी, में कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी मारी से जहाँ मेरा सर फट गया। घायल रामेश्वर का कहना है कि बारिश में कालीचरण का मकान धस गया है। मकान के पास ट्रैक्टर से मिट्टी डालने की बात चल रही थी। जिस जगह मिट्टी डालनी है उस जगह पर हमलावर कूड़ा डालते हैं। हमलावर कल्याण सिंह, राम प्रकाश पक्ष के लोग मिट्टी डालने का विरोध कर रहे थे। इसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद नामजदों ने हमला बोल दिया। रालौद के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र बघेल हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों से घटना के बारे में जानकारी हासिल की। रालौद नेता नरेंद्र बघेल का कहना है कि दोनों ही एक परिवार के होने के कारण समझौते का प्रयास किया जा रहा है। मैं यहाँ श्रीराम हॉस्पिटल उनको देखने आया, वो वेंटिलेटर पे हैं और उनकी पोजीशन बड़ी नाजुक है और इनमें आपस में दोनों चाचा ताऊ के हैं और इनमें आपस में वहाँ बड़ा झगड़ा हुआ। इनको देखने के लिए मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि जल्दी स्वस्थ हों और हम लोग प्रयास करेंगे कि दोनों में बात बन जाए और आपस में लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो समय खराब था वो निकल गया और अब हम लोगों का प्रयास है कि इन दोनों में सामंज बिठाने का काम करेंगे। मारपीट में घायल हुए आधा दर्जन से अधिक लोगों को एमजी रोड स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। इसमें कई लोगों की हालत चिंताजनक बताई गई है। घायलों की शिकायत पर इरादत नगर थाने की पुलिस ने तीन हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि फरार चल रहे लोगों की तलाश की जा रही है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।